पर ट्रैकर का मेन यूनिट जीपीएस यूनिट है। ये देखिए, आप इसका साइज देखिए, लेंथ और विड्थ देखिए, बिल्कुल छोटा सा है, एक हथेली में भी आ जाता है। ये है हमारा मेन यूनिट, इसमें दो एंटीनास भी लगते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी। ये है हमारा जीएसएम एंटीना है। इसमें बहुत लंबी वायर होती है जो आसानी से इसकी कनेक्टिविटी में हेल्प करता है इसको। और ये है हमारा जीपीएस एंटीना। जीपीएस एंटीना की भी जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसकी वायर बहुत लंबी है, जिससे कि इसको सिग्नल अच्छे से मिल सके, इस तरह से इसको प्लेस कर सकते हैं हम व्हीकल में। और ये है इसकी पावर कॉर्ड, जिससे कि हम इसको बैटरी से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। इसको अटैच करते हैं जब हम व्हीकल में, तो ये पावर केबल इसको करंट सप्लाई करने के लिए हेल्प करता है। और इसके साथ हम ये माइक्रोफोन भी देते हैं, इसके साथ भी अच्छी लंबी वायर दी जाती है, कनेक्टिविटी इजी हो जाती है जिसकी वजह से। और ये है हमारा SOS बटन, इसके साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं व्हीकल डिवाइस के साथ। और डिवाइस के साथ जैसे कनेक्ट कर सकते हैं, जब हम इसको प्रेस करते हैं इस बटन को, तो हमारे पास जो मेन SMS अलर्ट्स आते हैं अगर किसी तरह की भी कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। ये है रिले, रिले इमोबिलाइजर के लिए काम आता है। इससे इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ, जैसे अगर कहीं हमारी गाड़ी चोरी हो जाती है, तो हम एक सिंपल सा SMS ट्रैकर को देते हैं और ट्रैकर से इलेक्ट्रिसिटी कट ऑफ कर देता है व्हीकल की, जिससे कि गाड़ी वहीं स्टॉप हो जाती है। और ये है छोटा सा सिम ट्रे,